हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी एट योर होम सो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर फिफ्थ चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नाउ वी विल डिस्कशन अबाउट द नेक्स्ट कंटेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेट यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी यानी कि हमारे जो छोटे उद्योग थे वो कैसे फले फूले किस तरीके से उनका विकास हुआ वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री ग्रू स्टीडली आफ्टर दी वॉर लार्ज इंडस्ट्री फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ दी इकोनॉमी कहते कि जब लंबे समय तक युद्ध चले तो युद्ध के बाद अगर हम बात करें स्टीडली आफ्टर दी वॉर लार्ज इंडस्ट्री फॉर्म ओनली ए स्मॉल सीगमेंट ऑफ द कंट्री यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी एक तरह से उनका महत्व कम होने लगा इकोनॉमी के अंदर मोस्ट ऑफ दैम अबाउट सिक्सटी सेवन परसेंट इन नाइनटीन इलेवन वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे क्या था कि ज्यादातर जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो अगर हम बात करें नाइनटीन इलेवन की तो सिक्सटी सेवन परसेंट ज्यादातर जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ लोकेटेड थी बंगाल एंड बॉम्बे बंगाल और बॉम्बे के अंदर ओवर दी रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रोडोमिनेट कहते हैं कि ओवर दी रेस्ट ऑफ दंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू प्रोडोमिनेट कहते कि यदि हम पूरे कंट्री की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मात्रा में फलने फुलने लगी थी यहाँ पर आप क्वेश्चन याद रखेंगे सिक्सटी सेवन परसेंट अधिकतर जो हमारी इंडस्ट्री थी नाइनटीन इलेवन में वह तो बंगाल में लगी हुई थी या फिर बॉम्बे में लगी हुई थी लेकिन छोटी इंडस्ट्री काफी प्रोडोमिनेट हो रही थी उन दिनों में काफी प्रभावशाली बन रही थी only a small proportion of total industrial labor force work in registered factory 5% in 1911 and 10% in 1930 the rest worker of small worker had household unit often located in alien balance invisible in passerby category has जो हमारी छोटी इंडस्ट्री थी वो घरेलू यूनिट में ही अपना प्रोडक्शन करती थी आसपास के एरिया में या घरों के अंदर ही प्रोडक्शन किया जाता था अपने आंगन में ही प्रोडक्शन करती थी इन फैक्ट इन सम इंस्टान हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन ट्वेंटी सेंचुरी कहते हैं कि इस तरह से जो हस्तकला पर उत्पादन था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा ट्वेंटी सेंचुरी में दिस इज इवन इन केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस वाइल चीप मशीन्स मेड थ्रेड वाइडन आउट ऑफ दी स्पिनिंग इंडस्ट्री इन नाइनटीन सेंचुरी द वीवर सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम कहते कि लेकिन जैसे ही मशीन मेड जो थ्रेड आने लगा वाइब्ड आउट टू दी स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द नाइनटीन सेंचुरी द वीवर सर्वाइव ए डिस्पाइट प्रॉब्लम कहते कि जो विवर्स थे जुलाए थे उनकी रोजी रोटी को काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा इन द्वेंटीन सेंचुरी हैंडलूम क्लोथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टील आलमोस्ट ट्रेवलिंग बिटवी नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन फोर् कहते कि जो खासकर ट्वेंटी सेंचुरी की बात करें हैंडलूम क्लोथ प्रोडक्शन था एक्सपेंडेड स्टीडली कहते कि वो यानी कि फैलने लगा ऑलमोस्ट ट्रिबलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940 कहते कि लगभग तीन गुना हो गया था वो 1900 और 1940 के बीच में यानी कि जो हैंडलूम प्रोडक्शन था उसकी काफी डिमांड रही और उसमें काफी बढ़ोतरी भी हुई काफी तेजी से बढ़ा वो हाउ डिड दिस हैपन अब जानेंगे कि हम लोग प्रोडक्शन था जो इतना ज्यादा कैसे बढ़ा किस तरीके से तो यहाँ पर हम लोग एक डिवाइस के बारे में बात करेंगे दैट इज फ्लाई स्टल अब फ्लाई स्टल क्या था ये फ्लाई स्टल ज्यादातर हम जानते हैं यहाँ पर कि जो फ्लाई स्टल आया फ्लाई स्टल सेटअप होने के बाद देखिए पहले फ्लाई स्टल क्या था ये फ्लाई स्टल इ मैकेनिकल डिवाइस फॉर यूजिंग वीविंग के लिए यानी कि बुनने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते थे एक यांत्रिक डिवाइस होता था ये एंड कहते हैं कि जो धागे की सहायता से रस्सी की सहायता से या जो पुलिया होती थी पुलिया की सहायता से जिसको चलाया जाता था तो वीविंग इंडस्ट्री के अंदर एक डिवाइस था ये फ्लाई सेटल फ्लाई सेटल के नाम से जाना गया देखिए अब इसमें क्या कहते हैं इसमें फ्लाई सेटल दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर कहते हैं कि फ्लाई सेटल आने से जो प्रति वर्कर जो प्रोडक्टिविटी थी उत्पादन क्षमता थी उसमें काफी बढ़ोतरी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड कहते हैं कि इसने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और लेबर की डिमांड कम होने लगी ओवर थर्टी फाइव परसेंट हैंडलूम इन इंडिया वर फिटेड फ्रॉम फ्लाई सेटल इन डीजल लाइक त्रावणकोर मद्रास मैसूर कोचिन बंगाल दोपोरेशन वो सेवेंटी टू एटी परसेंट कहते कि यदि हम बात करें उन्नीस सौ इकतालीस में दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ यू मस्ट हैव टू बी अंडरलाइन कहते कि थर्टी फाइव परसेंट जो हैंडलूम थी इंडिया के अंदर वहाँ पर फ्लाई सटल लगा दिया गया था इंडस्ट्रीज के अंदर कहाँ कहाँ थी मेन इंडस्ट्री हमारी त्रावणकोर की मद्रास मैसूर कोचिन बंगाल तो यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें इसके अनुपात में सेवेंटी एटी परसेंट यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश की गई थी विद हेल्प ऑफ फ्लाई सटल फ्लाई सटल लगा दिया था और फ्लाई सटल आने से यानी कि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी तेजी आई देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इन्वेंशन दैट हेल्प यू वर इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड कम्पीट विद द स्मॉल कम्पीट विद द मिल सेक्टर कहते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे आविष्कार हुए जिन्होंने क्या किया जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट किया एंड कम्पीट विद द मिल सेक्टर और इस तरह से जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बड़े बड़े मिलों के साथ भी कॉम्पिटिट कर सकती थी उनका मुकाबला कर सकती थी फ्लाई सेटल इज आल मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन यू मस्ट है विच हैव टू बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर लेबर स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूज लेबर डिमांड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यू टू दिस दैट द प्रोडक्शनो इंक्रीज सर्टेन ग्रुप ऑफ व्यूर वर इन बेटर पोजिशन एंड अदर सर्वाइव द कॉम्पिटिशन विद मिल इंडस्ट्री अमंगेस्ट व्यूवर वर सम्यूस कोर्स क्लोथ एंड अदर वर वो वन फाइन वेराइटीज कहते कि कुछ तो मतलब इसमें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते थे क्योंकि उनके पास कोर्स क्लोथ यानी कि वो उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं बनता था वाइल अदर वर फाइनर वेराइटीज जबकि कुछ ऐसे व्यूवर थे जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाते थे दी कोर्सर क्लोथ वॉज कोर्सर का मतलब यहाँ पर इन्फेरियर क्वालिटी से है कोर्सर क्लोथ वॉज ब्रॉड बाय द पुअर एंड ई डिमांडेड फ्लेक्चुर इट टाइम वॉज बैड हार्वेस्ट एंड फेमाइन वैन रूलर विटल टू इट एंड इनकम वॉज पॉसिबली बाय क्लोथ कहते कि कई बार तो ऐसा होता था कि अकाल पड़ जाता था फसल खराब हो जाती थी तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रामीण गरीब लोग थे उनके लिए खाने तक के लाले पड़ जाते थे एंड देयर कैसे इनकम डिसअपियर और उनकी जो आय थी वो बिल्कुल कम हो जाती थी देख कुड नॉट पॉसिबली बाय क्लोथ यानी कि वो कपड़ा भी नहीं खरीद पाते थे द डिमांड फॉर दी फाइन वेराइटी ब्रॉड बाई दी वेल डू स्टेबल द रिच पुअर बाई इवन वेन पुअर स्टार वेट कहते कि यहाँ तक कि जो रिच पीपल थे वो तो इससे खरीद सकते थे कपड़े को लेकिन गरीब लोग बेचारे भूखे मर जाते थे भूखमरी फैल जाती थी इस कारण से वो कपड़ा नहीं खरीद सकते थे पेमेंट डिट नोट अफेक्ट दी सेल ऑफ बनारसी एंड बालूचारी साड़ी कहते कि लेकिन अकाल पड़ने से भी यानी कि जो सेल होती थी बनारसी साड़ी की या बालू साड़ी ये काफ़ी फेमस साड़ी हैं इनकी जो सेल थी उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा यानी कि अकाल पड़ा लेकिन कपड़ा बिकना बंद नहीं हुआ बनारसी साड़ी और जो बालूचारी साड़ी है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी एज यू हैव सीन मिल कुड नॉट वीवर साड़ीज विद बॉर्डर और दी फेमस लोंगी एंड हैंकर चीफ ऑफ मद्रास कुड नॉट बी डिस्प्लेस दी मिल प्रोडक्शन कहते कि यहाँ तक कि बॉर्डर लगी हुई साड़ी होती थी जो या लुंगी होती थी या जो हैंकर चीफ होता था मद्रास का वो भी यानी कि आसानी से नहीं बदला गया मिल प्रोडक्शन के द्वारा यानी कि बड़ी इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन शुरू किया लेकिन इनका जो डिमांड्स थी सारी की या फिर अगर हम लुंगी की बात करें या हम हैंगी की बात करें तो मद्रास के अंदर जो प्रोडक्शन होता था मिल भी उसकी डिमांड को कम नहीं कर पाए

उनके बच्चे उनकी औरतें भी काम में लगी रहती थी जो प्रोडक्शन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेज होती थी उन्हें अलग अलग स्टेज पर काम करना पड़ता था बट दे वर नॉट सिंपली इनमेंट ऑफ द पास्ट टाइम ऑफ द एज ऑफ द फैक्ट्री देयर लाइफ एंड लेबर वॉज इन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं कि उनकी जो लेबर थी एक तरह से उनकी जो लाइफ थी वो एक तरह से औद्योगिक जो प्रक्रिया थी उसके साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी थी दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाइल स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज ग्रीस इडली आफ्टर दी वॉर लार्ज इंडस्ट्री फाउंड ओनली सीगमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज यू नो दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो लार्ज इंडस्ट्री भी उनको कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही थी दैट इज मोस्ट पैराग्राफ पॉइंट एंड यू मस्ट है फ्लाई सेटल फ्लाई सेटल क्या था फ्लाई सेटल के बारे में भी आप लोग स्टडी करेंगे और वो कौन से शहर थे जहाँ पर सिक्सटी सेवन परसेंट जो अपनी मील हैं 1911 में लोकेटेड थी बंगाल एंड बॉम्बे दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ सो रीड दिस केयरफुली एंड यू कैन सी दी मैप देर इज लोकेटेड सम सेंटर लोकेशन ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया नाइनटीन कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जैसे बॉम्बे अगर हम बात करें कॉटन की बंगाल है जूट के लिए फेमस रही है मद्रास है मद्रास में भी आपने पढ़ा था यहाँ पर कि मद्रास के अंदर फेमस क्या थी एंड वहाँ की सारी थी लुंगीज थी हैंकर था उसके लिए इसको जाना जाता था दीज आर दी थ्री मेन सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन okay student read this carefully and now we will discuss in last videos the last chapter last content so this chapter may be completed or in next videos we will take some new topics